दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक बार प्लेन हाईजेक करने वाले लोगों को सजा के बजाय रिवॉर्ड दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। ये बात है साल 1978 की, जब 150 पैसेंजर्स को लेकर एक प्लेन दिल्ली जा रहा था, जिसे वहाँ मौजूद दो लोगों ने हाईजेक कर लिया था, और वो भी एक खिलौने वाली बंदूक के दम पर। और उनकी डिमांड थी कि इंदिरा गांधी, जो कि इमरजेंसी लगाने के बाद जेल में थी, उन्हें रिहा किया जाए और उनके बेटे राजीव गांधी पर जो भी चार्जेस लगाए थे उन्हें हटा लिया जाए। इसके अलावा उनकी एक और डिमांड भी थी कि वो प्लेन को पाकिस्तान और बांग्लादेश ले जाना चाहते थे। लेकिन जब उन हाईजेकर्स में से एक के पिता ने उनसे बात की तो उनके होश ठिकाने आ गए और उन्होंने प्लेन को वाराणसी में ही लैंड करा दिया, जिसके बाद उन दोनों को चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से टिकट भी दिया गया। अब इसे आप क्या कहेंगे, भला कोई कैसे प्लेन हाईजेक करने वालों को इलेक्शन की टिकट दे सकता है, पर दिया गया था। आपका इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।